नमस्कार। राजस्थान में 48,000 शिक्षक पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। जोधपुर के बनाड रोड पर मैरिज गार्डन के कमरों में रीट मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र हल करवाने का एक गिरोह को दबोच लेने की जानकारी सामने आई। हालांकि रात की बात यह है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक की बात अफवाह निकली। नकल गिरोह ने परीक्षार्थियों को 300 प्रश्न दिखाए थे। इन्हीं 300 प्रश्नों को परीक्षार्थियों को हल करवाया जा रहा था, लेकिन परीक्षा में 150 प्रश्न आए थे। नकल गिरोह के पास मिले 300 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न असली प्रश्न पत्र में नहीं मिला। इस बारे में डीसीपी पूर्वी अमृता दुल्लन ने जानकारी दी है। जोधपुर के बनाट रोड पर मैरिज गार्डन के कमरों में रीट मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र हल करवाने के आरोप में संबंधित 28 परीक्षार्थियों और नकल गिरोह के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर थे जो कब्जे में कर लिए गए थे। इधर जयपुर में डेमी कैंडिडेट पकड़े जाने की भी सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि एसओजी की टीम ने इन्हें अलग अलग सेंटर से पकड़ा है। राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा जयपुर सहित प्रदेश के 11 जिले मुख्यालयों पर शनिवार से आयोजित की गई है, जिसे 2 पारियों में करवाया जा रहा है। पहली पारी सुबह 9:30 से 12 बजे तक चली। इसी परीक्षा के लेवल 1 और 2 में 48,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है, जिसे 5 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा 25 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 837,769 विद्यार्थी बैठेंगे। गौरतलब है कि परीक्षा के चलते अजमेर, भरतपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में इंटरनेट बंद रखा गया है।